Hello students, very good morning. I'm Prachi. I will be taking your classes from now onwards. So, इतने दिन से आप बोर हो रहे होंगे वर्कशीट्स करते करते, तो अब हम अपना स्टार्ट करेंगे वीडियो सेशंस, ठीक है? इसमें आपको जो आपका न्यू सिलेबस है वो आपको समझाया जाएगा, उसकी हेल्प से आपको अपनी बुक्स में और नोटबुक्स में होमवर्क करना होगा, जिसके आपको रिमार्क्स दिए जाएंगे और आपका हर डे के वर्क पे आपको मार्क्स या ग्रेड्स लगेंगी, ठीक है? तो अब हम अपना वर्क स्टार्ट करते हैं। हम वीडियो सेशंस देंगे आपको जिसमें आपका न्यू सिलेबस कवर किया जाएगा। तो आज मैं बस आपके लिए एक सैम्पल वीडियो लेके आई हूँ, ठीक है? इसमें आपको क्या करना है, आपको सुनना है, एक न्यू कॉन्सेप्ट होगा आपके लिए, आपको साउंड सिखाई जाएंगी और आपको ये ध्यान से सुनना है, ठीक है? तो ये बहुत इजी है। जैसे कि मेरा नाम प्राची है, तो हम कैसे वर्ड यूज़ करेंगे? प्राची, प है ना, पी की साउंड क्या है? प है, ठीक है ना? तो हम ये साउंड्स डिस्कस करेंगे। तो आई विल जस्ट रिक्वेस्ट पेरेंट्स ऑल्सो कि वो इसको ध्यान से सुने, और बच्चे इतने छोटे हैं हमारे, तो हम क्लासेस में तो इनको हाथ पकड़ के काम करा देते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो अब हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस वीडियोज़ को देखिए और बच्चे को आप गाइड कीजिए, ताकि जो हमारा ये मिशन है कि हम लॉकडाउन को एज अ बर्डन ना लेके इसको हम एक अपॉर्चुनिटी लें, और इससे हम अपने बच्चों को गाइड करें और उनका एजुकेशन भी हैम्पर ना हो और उनकी पढ़ाइयाँ साथ साथ चलती रहे और अच्छे से चले। तो इसके लिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हमने वीडियो बनाने की कोशिश की है। होप सो कि ये सक्सेसफुल होगा। सो लेट्स बिगिन। सो वी विल बी कवरिंग टुडे फोनिक्स, ठीक है? फोनिक्स क्या होते हैं बच्चों? फोनिक्स होते हैं ध्वनि, ठीक है? तो हम किसी लेटर को, जैसे ए है, तो हम इसको बोलते क्या है? एप्पल बोलते हैं ना, ए फॉर एप्पल। जैसे आपकी स्क्रीन पे दिया भी हुआ है, ए फॉर एप्पल। तो ए की साउंड क्या हुई? जो साउंड होती है, जो ध्वनि होती है, जो उसकी आवाज़ आती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? फोनिक्स, ठीक है? तो अब जैसे यहाँ पे दे रखा है आपको डॉग, डी की साउंड है, डी की क्या साउंड हुई? डॉग, ड, ठीक है? तो हम ऐसे ही मतलब कि लर्न करेंगे आज कि किस लेटर की क्या साउंड होती है। सो थोड़ा सा हम स्टार्ट करते हैं आज। आप होप सो यू विल लाइक द वीडियो। ओके, लेट्स बिगिन। अब इसमें बच्चों आपको क्या बताया? ए फॉर एप्पल, ए फॉर एंट। एप्पल क्या होता है? सेब, ठीक है? और एंट क्या होती है? चींटी। तो चींटी यहाँ पे क्या कर रही है? इसको आके एप्पल को खा रही है। तो ए की क्या साउंड बताते हैं यहाँ आपको? अ अ अ। अभी आपने सुना ना, अ अ अ। तो ए की क्या साउंड हुई बच्चों? अ अ अ। अब हम नेक्स्ट लेटर देखेंगे, ठीक है? B for bat, B for ball, b b b b b b. अब हमने नेक्स्ट लेटर क्या देखा बच्चों? B, B आपने सुना हुआ है ना? B क्या होता है? B for क्या होता है? Bat, इसमें दिखा रखा है आपको, ठीक है? B for ball, ठीक है? B की क्या साउंड हुई? b b b। इससे आप खेलते भी होंगे। अब तो आपका लॉकडाउन हो रखा है, सब हम घर पे ही हैं, बट आपके पास घर पे भी होगा, छोटे वाला भी होगा, थोड़ा इसमें कलरफुल आता है वो भी होगा। अब बी फॉर बॉल, तो बी की क्या साउंड हुई? ब, ठीक है? तो ऐसे ही आपको साउंड्स लर्न करनी है। इसमें की कैसे साउंड बता रहा है? ब ब ब। नेक्स्ट, सी फॉर कैट एंड सी फॉर कप, क क क। अब इसमें नेक्स्ट क्या है बच्चों? सी फॉर कैट एंड सी फॉर कप। तो इसमें कैट दिखा रखी है वाइट से कलर की आपको, तो अब कैट तो बहुत सारे कलर्स की होती हैं, सबसे जो हमें डेंजरस लगती है ना वो ब्लैक वाली होती है, ठीक है? मुझे तो बहुत डर लगता है उससे, ठीक है? और अब हम ये देखते हैं क्या होता है कप, ठीक है? तो अब इसमें देखना है हमें साउंड, जो आवाज़ आ रही है लेटर की, सी की क्या आवाज़ है? क। अब हमें सी बोलना है, तो हम इसकी सी तो नहीं कर रहे ना, सीट ऐसे बोल रहे हैं हम कैट, अगर हम सी का बोलेंगे तो सीट बन जाएगा, सिप बन जाएगा, बट ऐसे नहीं होती ना। सी की साउंड क्या होती है? क होती है। जैसे हम बोलेंगे कैट,
सी से क्या है कप, जिसमें आप मिल्क पीते हैं, जैसे ये कैट पी रही है। चलिए नेक्स्ट। डी फॉर डॉग, डी फॉर डॉट्स, ड ड ड। अब हमारा नेक्स्ट लेटर क्या है बच्चों? ड डी जो साउंड है लाइक क्या है, लाइक डी जो लेटर है आपको उसकी क्या साउंड है? ड। ठीक है, तो ड साउंड हो गई। यहाँ पे आपको डॉग दिखा रखा है, उस पर डॉट्स लग रही हैं। डॉट्स क्या होती हैं? बिंदियाँ, छोटी छोटी इस पर पेस्ट हो रही है ना। आपने डॉग्स भी देखे होंगे जिन पे डॉट्स होती हैं, तो यहाँ पे तो आप उसको डॉट्स बोलते हैं, डॉग बोलते हैं। तो पर डी की क्या साउंड हुई? डी की साउंड हुई ड ड ड। नेक्स्ट। E for egg and E for elephant. अब हमने नेक्स्ट क्या देखा बच्चों? हमने देखा कि ई की क्या साउंड है। ठीक है, तो ई की हमारी जो साउंड देखी हमने क्या देखी? एलिफेंट आया ना। ठीक है ना, एलिफेंट। तो आपने क्या सीखा इससे? एलिफेंट। ई की क्या साउंड आ रही है? अ अ अ। इसकी भी और एक सेम सेम दिखती है हमको, ए की भी एप्पल, वो थोड़ा सा ज़्यादा इलोंगेटेड है। ठीक है ना, एप्पल आता है ऐसे। ठीक है, इसमें क्या? एलिफेंट, सिंपल। ठीक है ना, लेकिन होता ही है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है? एफ ओ फ्रोग। फ्रोग क्या होता है? मेंढक। ठीक है, और एफ ओ फिश। फिश क्या होती है? मछली। देखी होगी ना सबने आपने, और ये तो पानी में रहती है, हमने सुनी होगी कहानी, वो स्टोरी लाइक जो हम सुनते थे बचपन में, मैंने भी सुनी है। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओगे डर जाएगी, बाहर निकालोगे मर जाएगी। तो ये वही वाली फिश है जो बहुत सारी कलर की होती हैं और बहुत बड़ी बड़ी भी होती हैं, जैसे कि वेल, शार्क, आपने टीवी में भी देखी होंगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्या है? मेंढक, फ्रोग। तो हम क्या बोलते हैं? एफ लेटर आ रहा है ना इसमें, स्टार्टिंग में आप देख रहे होंगे एफ एफ आ रहा है, तो हम क्या बोलते हैं? इसकी साउंड क्या होती है? फ। नेक्स्ट। जी फॉर गोट एंड जी फॉर ग्रास, ग ग ग ग ग ग। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है बच्चों? जी फॉर गॉट एंड जी फॉर ग्रास। जी क्या है? लेटर है, उसकी साउंड क्या होती है? ग। गॉट, ग्रास। गोट मीन्स क्या होता है? बकरी, जो यहाँ पे ग्रास खा रही है, जैसे हम अपना फूड खाते हैं ना, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वाला, वैसे ही गोट क्या खाती है? ग्रास। तो हम कैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं जी को? ग। उसकी फोनिक साउंड क्या होगी? ग। नेक्स्ट देखते हैं। H for hand, H for hat, ha ha ha, ha ha ha. Next हमारे पास क्या आता है बच्चों? H for hand and H for hat. अब H means क्या होता है? Like H की क्या sound होती है? Ha ha ha. ये आपको hand दिखा रखा है ना, हाथ भी बोलते हैं इसको हम हिंदी में। ठीक है ना, hand तो ha sound है इसकी। ठीक है ना, और हैट जो आप जैसे पहन के जेंटलमैन लगते हैं ना इंग्लिशमैन की तरह। ठीक है, तो इसमें क्या होता है आपका? हैट आता है। ठीक है, तो हैट की क्या साउंड हुई है? ह की क्या साउंड हुई है? किस लेटर की साउंड है? एच की। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। आई फॉर इंक एंड आई फॉर इंसेक्ट, हमारे पास क्या आया अब? नेक्स्ट लेटर आई। ठीक है, यहाँ भी आया है आई फॉर क्या होता है? इंक। इंक क्या होती है? शाइन। आपने देखा होगा, आप तो पेंसिल्स यूज़ करते हैं, बट आपके जो पेरेंट्स हैं या टीचर्स हैं वो पेन यूज़ करते हैं, उसमें एक रिफिल होती है, एक सिक्का होता है, उसके अंदर इंक डली हुई होती है जो ब्लू, रेड, ग्रीन, बहुत सारे कलर्स की होती है। तो हम जो यहाँ पे गिरी हुई है ना, वो शाइन कहते हैं हम उसको हिंदी में और इंग्लिश में इंक। लेकिन उसके आगे ई एन के नहीं होता वो। ठीक है ना, क्या होता है? आए। आए की क्या साउंड हुई है? ई। ठीक है ना, आप तो सोचेंगे इसमें ई तो दिख ही नहीं रहा मुझे। ठीक है ना, बट आए की जो साउंड है ना, आए की जो साउंड है ना वो है ई। ठीक है,
आई है इंसेक्ट, तो आई से हम बोलते हैं इंसेक्ट, आई लगा जरूर रहे हैं हम, ठीक है ना, लेकिन ई बोलते हैं इसको हम, ठीक है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं। J for juice, J for jar, J J J J J J. अब नेक्स्ट लेटर क्या आता है बच्चों? J. J for क्या होता है? जूस। और J for जार, ठीक है ना, जग की तरह होता है ये। इसमें देखो जूस पोर कर रहे हैं हम, डाल रहे हैं, ठीक है ना, जूस आप भी पीते होंगे, ठीक है ना, तो ये वही वाला जूस है, ठीक है। यहाँ पे भी दिखा रखा है देखो, तो जे की क्या साउंड हुई है? ज, जूस, ठीक है, जूस, ठीक है। और जार, जार, जे की क्या साउंड हुई है? ज, ठीक है। हम नेक्स्ट चलते हैं। आप K for king and K for kite, k k k k k k. अब हमने नेक्स्ट क्या देखा था बच्चों? लास्ट क्या देखा था हमने? K for kite and K for king. तो किंग की क्या साउंड हुई है? की। क्या है? क्योंकि की लेटर क्या है? क साउंड है उसकी, काइट, ठीक है ना, किंग, ठीक है। तो हम उसकी क्या साउंड डिस्कस कर रहे हैं? क क क, ठीक है। ये वाला एल फॉर लैम्ब, एल क क क क, एल फॉर लैम्ब, एल फॉर लीफ, ल ल ल। अब हमने नेक्स्ट क्या देखा? लैम्ब। लैम्ब क्या होता है? आपको तो शीप की तरह दिख रही होगी, जिससे हम वूल उतारते हैं, ऊन, ऊन जो कपड़े पहनते हैं ना जब आपको सर्दी लगती है, ऊनी कपड़े, ठीक है ना, वूलन क्लोथ्स, वो इसी से ही बनते हैं। बट लैम्ब क्या होता है? ये शीप का बेबी होता है, बच्चा होता है शीप का, ठीक है, कितना सुंदर सा लग रहा है, ठीक है ना। तो लैम्ब, ठीक है। फिर है लीफ। लीफ क्या है? पत्ती। कौन सी पत्तियाँ हैं ये? एक पत्ती खा रही है ना लैम। तो अब हमने देखना क्या है, ये लैम में एल की साउंड क्या है? ल, लैम। लीफ में क्या है? एल की साउंड ल, सेम सेम है, ल ल ल। नेक्स्ट देखते हैं। ल ल ल। M for man and M for monkey. अब नेक्स्ट क्या देखते हैं हम बच्चों? एम फॉर मैन एंड एम फॉर मंकी, ठीक है। तो एम फॉर मैन क्या होता है? आदमी। और मंकी क्या होता है? म की साउंड है। मंकी हमें पता है ना बंदर होता है, लेकिन एम की जो साउंड है वो म है, ठीक है ना। तो अब मैन क्या कर रहा है? मंकी को बनाना खिला रहा है, ठीक है। तो मैन मंकी को बनाना खिला रहा है। तो हम देखा मैन में जो एम है उसकी क्या साउंड हुई? म, ठीक है। और एम में मंकी की क्या साउंड हुई? म। तो एम की क्या साउंड होती है बच्चों? म म म। तो आज हम बच्चों हम यहीं रैप अप करेंगे। कल से हम अपना जो शेड्यूल रहेगा हम उसी अकॉर्डिंग क्लासेस लेंगे। और जस्ट आई विल जस्ट रिक्वेस्ट पेरेंट्स कि वो उसे ध्यान से देखें, और इससे वो बच्चों को एटलीस्ट गाइड तो कर ही सकते हैं कि वो पढ़ाया कैसे जाए और वो कैसे पढ़ाते हैं। क्योंकि हमारे पास ये इश्यूज़ आ रहे थे कि वी आर नॉट प्रोफेशनल टीचर्स कि हम आपकी तरह करा सकें, ठीक है ना। तो हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हुए कि हमें लगा कि बच्चे तो नहीं समझ पाएंगे, तो हमने इस अकॉर्डिंग ट्राई किया है कि हम बच्चों को भी समझाएं, लेकिन पेरेंट्स भी इससे गाइडेंस ले सकते हैं और बच्चों को समझा सकते हैं। सो होप यू विल लाइक द वीडियो एंड वी विल जस्ट कंटिन्यू टुमारो। ओके, थैंक यू सो मच।